अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आइए हम देखें आज हमारा क्या काम जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे एश फाइव। एश फाइव में हमारे है सफ़ा नंबर 12 और 13। एश फाइव में जमा का काम क्या जा रहा है, सफ़ा नंबर 12 और 13। और घर का काम भी यही जा रहा है हमारे पास, 12 सफ़ा नंबर 12 और 13, ये घर के काम का है। ठीक है, आइए हम देखें जमात के काम में हमें क्या काम जा रहा है, सफ़ा नंबर 12 में क्या काम है। ये हमने किताब खोली जमात उर्दू की, अमली किताब जमात के लिए। ये है सफ़ा नंबर 12। सबसे पहले आप यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे, यानी तारीख लिखेंगे जिस तारीख को आप काम मुकम्मल करेंगे, काम करेंगे वहाँ पर डेट लिखेंगे। बाकी आपके पास मिकात भी लिखा हुआ है, नादिर का टॉपिक भी लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ दिन लिखेंगे और तारीख लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए हमारा क्या काम जा रहा है, हरूफ मिलाएं और अलग करें 4 से 6। ठीक है, अब देखिए नंबर 4 पे क्या है, पहले हरूफ मिलाएंगे हम, उसके बाद हरूफ को अलग करेंगे। अलिफ जमा ये जमा काफ, अलिफ जमा ये जमा काफ। अब इन्हीं हरूफ को हमें मिला कर लिखने क्या बन गया, एक। देखिए एक कैसे लिखेंगे, अलिफ इसके बाद ये इस तरह से बना के ये अलिफ या और उसके साथ काफ ये बन जाएगी, काफ की डंडी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एक। ठीक है, बिल्कुल सफाई से लिखना है, नुक्ते अलग अलग करके लगाएंगे ताकि आपको समझ आए। फिर यहाँ देखिए नंबर 5 पे क्या जा रहा है, सरक कैसे, सीन जमा रे जमा काफ, सीन जमा रे जमा काफ, सरक इसको कैसे लिखेंगे, सीन के आदि अशकाल और उसके साथ रे, नज़र आ रहा है सबको, सरक एक सरक। अब ये देखिए नंबर 6 पे, सीन जमा फे जमा ये जमा दाल, क्या बनाइए, सीन जमा ये सीन जमा फे जमा ये जमा दाल, क्या हो गया ये सफ़ेद। अब सफ़ेद को कैसे लिखेंगे, पहले सीन की आधी अशकाल आप बनाएंगे, इसके साथ फे की आधी अशकाल साथ ही मिलाकर फे का नुक्ता लगाया और ये की आधी अशकाल, ये के दो नुक्ते लगा दिए और साथ में आपने बना दी दाल, थोड़ा नीचे लाइन से आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया सफ़ेद, बिल्कुल सफ़ाई से इसी तरह से लिखिएगा ताकि आपकी लिखाई बेहतर हो बेटा। एक सड़क सफ़ेद, और यही हरूफ आपको यहाँ भी लिखने, मैंने एक एक बार लिखकर आपको दिखा दिया है, आपको इस तरह से दो बार लिखना है यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब देखिए हरूफ अलग करें कैसे किस तरह लिखेंगे, हरूफ अलग करें, यही हरूफ हमारे पास लिखा हुआ है, एक सड़क एंड सफ़ेद। अब इसको कैसे अलग करेंगे, पहले है अलिफ, अलिफ जमा ये को थोड़ा नीचे लाइन से लिखते हैं, काफ। अब यहाँ देखिए सीन नंबर 5 पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सड़क सीन जमा रे जमा काफ, बिल्कुल सफाई से जिस तरह आप देख रहे हो कि मैं लाइन पर लिख रहा हूँ, लाइन से ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सफ़ेद। अब सफ़ेद को देखो पहले क्या हरूफ है, सीन, इसी तरह लिखा आपने सीन, फिर जमा, फिर क्या लिखा हुआ ये फे, तो फे लिखेंगे आप, जमा ये जमा दाल, जिस तरह से मैंने सफाई से मुकम्मल किया इसी तरह से आपको भी मुकम्मल करना है। ये मुकम्मल करने के बाद आ जाइए सफ़ा नंबर 13 में भी आप इसी तरह से देखें। तो 13 में हमारा क्या काम जा रहा है, इनफरादी पढ़ाई सफ़ा नंबर 1 से 6 और हरूफ मिलाएं अलग करें 7 से 9। अब देखिए हमें करना है इनफरादी पढ़ाई करनी है सफ़ा नंबर 1 से 6 और हरूफ मिला अलग करें 7 से 9। इनफरादी पढ़ाई जो आपकी जा रही है 1 से 6 उसकी आप वीडियो बना के मुझे भेजें ताकि मुझे पता चले आप लोग कैसे घर में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, या अगर ऑडियो भेजनी है तो ऑडियो भेज दें ताकि मैं आपकी पढ़ाई सुन सकूँ। आप इसके बाद हम हरूफ मिला अलग करें, ये देखें और जिन्होंने भेजी है बहुत अच्छी है और जिन्होंने नहीं भेजी है वो अपनी ऑडियो या वीडियो सेंड कर दे पढ़ाई की। अब देखें सब 7 पे क्या लिखा हुआ है, मीम जमा काफ जमा अलिफ जमा नून, क्या लिखा हुआ है ये, मीम जमा काफ जमा अलिफ जमा नून, क्या बनाइए मकान। अब देखिए मीम काफ अलिफ, मीम के आदि अशकाल इसके साथ हम बना देंगे काफ अलिफ का, नून थोड़ा लाइन से नीचे, मकान।
समझ आ रहा है बेटा? मीम जमा काफ जमा अलिफ जमा नून क्या बन गया ये? मकान। नंबर 8 पे देखिए, काफ जमा अलिफ जमा लाम जमा अलिफ क्या बन गया ये? काला। अब पहले बनाएंगे आप लोग काफ अलिफ का, लाम अलिफ ला, क्या बना ये? काला। काफ जमा अलिफ जमा लाम जमा अलिफ क्या बना ये? काला। इस तरीके से लिखना है, काफ अलिफ का लाम अलिफ ला काला। अब नंबर 9 पे देखिए, गाव जमा ये जमा टे, गाव जमा ये जमा टे क्या बना ये? गेट। इसको कैसे लिखेंगे? पहले गाव की आधी अशकाल, उसके साथ ये बनाएंगे और टे की छोटी तोएं, गाव की दो डंडी लगाएंगे, ठीक है, और ये के दो नुक्ते, क्या बन गया ये? गेट। क्या बना ये? गेट। गाव की आधी अशकाल, साथ में आप ची की आधी अशकाल और टे मुकम्मल बनाएंगे। गाव की दो डंडी आपको लगानी है, ये बना गेट। और आपको यही हरूफ यहाँ भी लिखने हैं दो बार, जैसे आपको मैंने बनाया आप लिखेंगे तो आपकी लिखाई बेहतर होगी। दो दो बार लिखकर इसकी मुझे तस्वीर भेज दीजिएगा। अब यहाँ देखिए, हरूफ अलग करें, किससे अलग करेंगे हम? पहला हरूफ क्या है? मीम जमा काफ जमा अलिफ जमा नून क्या बना ये? मकान। मीम जमा काफ जमा अलिफ जमा नून मकान। अब काला कैसे लिखेंगे? काफ पहला रूप काफ है, फिर जमा अलिफ जमा लाम जमा अलिफ काला। अब ये ऐसे लिखेंगे गेट, इसको भी अलग अलग करेंगे। गाव, गाव की दो डंडी लगाएंगे आप लोग, गाव जमा ये जमा टे गेट। नज़र आ रहे सबको बेटा? अब इसी तरह से ये दोनों काम मुकम्मल करके सफ़ा नंबर 12 और 13 आप मुझे इनकी पिक्चर सेंड करेंगे, तस्वीर सेंड करेंगे, ताकि मुझे पता चले आप लोगों ने काम मुकम्मल किया है कि नहीं, ठीक है। और पढ़ाई की आप ऑडियो या वीडियो मुझे भेज देंगे, जिन्होंने भेजी है बहुत अच्छी, और जिन्होंने नहीं सेंड किए वो मुझे सेंड कर दें ताकि मैं आपकी पढ़ाई सुन सकूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। सफ़ा नंबर 12 और 13 मुकम्मल करने के बाद देखिए घर के काम में, सफ़ा नंबर 12 और 13 में आपको क्या करना है? पहले घर के काम किताब देखे खोलें इसको, ठीक है, अमली किताब उर्दू की। अब इसमें सफ़ा नंबर 12 में आपको क्या करना है? खुशखती लिखनी है। क्या लिखना है आपको इसमें? सफ़ा नंबर 12 में आपको खुशखती करनी है, यानी कि ये लिखाई जो लिखी हुई इस मकान का काला गेट है, ये लिखना है। दो बार आप लिखिएगा। और ये क्या ये नादिर का घर है, इसकी भी लिखाई करनी है आपको सफ़ा नंबर 12 में। और सफ़ा नंबर 13 में क्या काम जा रहा है? पढ़ाई करनी है। सफ़ा का नंबर 1-6 और मुश्किल अल्फाज लिखने हैं आपको 1-5। नज़र आ रहे हैं आपको मुश्किल अल्फाज? और खुशखती करनी है, ये 1-5 है मुश्किल अल्फाज है। पाकिस्तान शहर कराची जो आपको मैंने पढ़ाई में आपको पढ़ाए भी थे, एक सड़क, इनको दो दो बार करके लिखने हैं, यहाँ भी लिखने हैं और यहाँ भी लिखने हैं घर के काम है, और नीचे इसकी खुशखती भी करनी है, ठीक है।